हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अर्पना। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में और होम्योपैथी किस तरह से इसे सपोर्ट कर सकती है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज़। मैं जो भी वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो ये जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इसका क्या मतलब होता है? तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर बहुत सारी आंखों की बीमारियां आती है, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का मतलब है कि आपके आंखों का जो रेटिना है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो होता क्या है, हमारा जो रेटिना है इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और जब भी आप कुछ भी देख रहे हैं तो आपके रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स के द्वारा सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है और फिर आप देख पाते हैं। तो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके आंखों में लाइट जा रहा है, और वो लाइट आपके रेटिना से होते हुए सिग्नल ब्रेन में जा रहा है, और फिर आप मुझे देख पा रहे हैं। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ये जो फोटो रिसेप्टर्स है, इनको जिस तरह से काम करना चाहिए वो इस तरह से काम नहीं करते हैं, और इस वजह से आपको ठीक से नहीं दिखता है। हमारे आंखों में रॉड्स और कोन्स नाम के सेल्स होते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में सबसे पहले जो रॉड्स हैं वो इफ़ेक्ट होता है, और फिर धीरे धीरे कोन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसमें सिम्टम क्या होगा, सबसे पहला जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो है नाइट ब्लाइंडनेस। जो लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से सफ़र कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम होती है कि हम रात को ड्राइव नहीं कर सकते, हम रात को ड्राइव करके कहीं जा नहीं सकते, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक पहला सिम्टम हो सकता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। इसके बाद टनल विजन, यानी कि जो पेरिफेरी है, जो साइड का है वो नहीं दिखता, सेंटर का दिखता है। क्यों? क्योंकि जो रॉड्स है वो इफेक्ट हो रहे हैं, और सेंटर में कौन सा भी ठीक है, तो इसीलिए साइड का नहीं दिख रहा है या टनल विजन हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का क्या मतलब है कि ब्राइट लाइट में देखने में दिक्कत होती है। फिर फोटोप्सिया, फोटोप्सिया का क्या मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि लाइट का कुछ फ्लिकर आ रहा है, कुछ लाइट का आपको एक ग्लेज टाइप का कुछ दिख रहा है, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ साथ आपकी जो कलर डिफरेंशिएशन की एक जो क्षमता है वो कम हो जाती है, आप ठीक से कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आपको अगर आप ब्राइट में से आप अंधेरे रूम में आ रहे हैं, या अंधेरे में से आप उजाले में जा रहे हैं, तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप लोग अगर मूवी हॉल में आप जाते हैं, आप थिएटर में जाते हैं, तो जैसे ही आप थिएटर के अंदर आप एंटर होते हैं, ब्राइट बाहर उजाला है, उससे जैसे ही आप अंदर आए तो आपको एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, या आप जब मूवी हॉल से मूवी ख़त्म होने के बाद बाहर जा रहे हैं तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है ब्राइट से डार्क में, या डार्क से ब्राइट में, ये भी एक सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। तो दोस्तों, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि फैमिलीज में ये रन करता है। अब वो कितना होगा, कैसा होगा, किस प्रकार के सिम्टम्स होंगे, कितने सिम्टम्स होंगे, ये कम्प्लीटली निर्भर करता है कि कितना आपका रेटिना इफेक्ट हो रहा है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या क्या टेस्ट है जिससे हमें पता चल सकता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है? तो आप जब आई डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो जब ऑप्थेल्मोस्कोप से आपकी आंख को देखते हैं तो उनको पता चलता है। इसके साथ साथ जेनेटिक टेस्ट करा के देख सकते हैं। जो विजुअल फील्ड है उसका हम टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए, जो आपका विजन है वो प्रॉपर है या टनल विजन हो रहा है। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम हो सकती है। तो ये सब अलग अलग टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं।
अब अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो हमारा मकसद ये है कि आपका जो विजन है इसको जहाँ तक हो सके हम रिस्टोर कर सके, और इसके लिए आप एज अ जनरल क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है, आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनग्लासेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेगुलर जो आई टेस्ट है वो कराते रहना है ताकि हमें पता हो कि आपकी आँखों की स्थिति क्या है, और जब जैसे जैसे सप्लीमेंट्स देना है या आँखों में सनग्लासेस का इस्तेमाल करना है तो इनको आप प्रॉपर तरह से फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये एक जेनेटिक बीमारी है और इसको हम कम्प्लीटली हम इसको रिवर्स कर दे, ख़त्म कर दे ऐसा तो नहीं हो सकता, बट एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम ज़रूर दे सकते हैं ताकि आपकी जो विजन लॉस है वो उसी स्टेज पर रुके या वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं हो। तो दोस्तों, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं इसको हम कैसे देते हैं, आपके प्रॉपर केस टेकिंग के साथ हम दवा देते हैं, क्योंकि आपके सिम्टम्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का हो सकता है किसी और के सिम्टम्स से डिफरेंट हो। तो जो होम्योपैथी की कॉमनली यूज्ड मेडिसिंस हैं या जिनका प्रभाव आँखों में बहुत अच्छा है, तो वो मैं थोड़ी सी मेडिसिंस आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों, पहली हमारी मेडिसिन है रूटा। ये जो रूटा दवा है ये आँखों में जब स्ट्रेन पड़ता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आँखों में दर्द होना स्ट्रेनिंग के वजह से आप रूटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों में दर्द होना या ज़्यादा पड़ लिया उसके बाद आँखों में प्रॉब्लम होना, तो रूटा मेडिसिन दी जा सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम में हम क्या देखते हैं कि जो आँखों के सिम्टम्स होते हैं उसमें हेमियोपिया यानी कि आधा दिखता है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसा लगता है कि आँखें सिकुड़ सी रही हैं, अंदर से कॉन्ट्रैक्टिंग फील होती है। और लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो जब सोता है तो उसकी आँखें आधी खुली रहती है, तो ऐसे लगता है कि अरे इसकी तो आँखें खुली हैं पर ये सो रहा है, तो उनकी जब जो आँखें होती हैं वो आधी खुली रहती है। इसके साथ साथ आईलिड्स में अल्सरेशन होना, ऐसी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नैट्रोम्योर। ये जो नैट्रोम्योर दवा है ये यंग लोगों में बहुत अच्छा काम करती है, यंग स्कूल गोइंग किड्स में बहुत अच्छा काम करती है, और मैंने मैल ऑब्जॉर्प्शन का एक वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने नैट्रोम्योर के बारे में बताया कि बच्चों में कैसे सिम्टम्स होते हैं जो नैट्रोम्योर अच्छा काम करेगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नैट्रोम्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मैकफॉस। तो मैकफॉस दवा कब देनी होती है, जब आँखों में दर्द होता है और आँखों का जो दर्द है उसके साथ साथ जो विजन है वो भी क्लियर नहीं होता है, ब्लर्ड विजन होता है आँखों में, डीप जो आई बॉल है इसमें लगता है कि अंदर से दर्द हो रहा है, भारीपन का महसूस हो रहा है, तो मैकफॉस मेडिसिन ऐसे केस में दी जा सकती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। ये जो फॉस्फोरस दवा है ये आँखों की डीजेनरेटिव कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, तो यानी कि अगर एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, डीजेनरेटिव कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फॉस्फोरस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, जो फॉस्फोरस दवा है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये भी होता है कि पेशेंट को जो विजन है वो ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व्ड हो रहा है, सीधा नहीं दिख रहा है, वो ऊँचा नीचा उबड़ खाबड़ दिख रहा है। तो एक बार एक पेशेंट ने बताया कि मैं जब बस स्टॉप में खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो बस जो आ रही है, बस की छत, वो ऐसे ऊंची नीची है, वेव जैसे बने हुए हैं, तो ऐसे कर्व्ड लाइंस अगर दिखते हैं तो वो भी एक अच्छा सिम्टम है जो कि हमें फॉस्फोरस में देखने को मिलता है डीजेनरेटिव आई कंडीशन में। तो दोस्तों, ये थी हमारी दवाइयाँ जो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आपको मदद कर सकती है। पर जैसे मैंने बताया कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आपके रेटिना में कितना इफेक्ट हुआ है, आपके सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप में क्या आपका आई का स्टेटस है, तो इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि हमें कौन सी मेडिसिंस आपको देनी है। तो दोस्तों, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में काफ़ी टाइम से आप लोगों ने वीडियो का रिक्वेस्ट किया था, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको पसंद किया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है, ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।